किलो 400 ग्राम गांजे के साथ दो आरोपी गिरफ्तार। नवी मुंबई एपीएमसी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारकर दो आरोपियों के पास से बड़े पैमाने में गांजा जब्त किया है। गांजे की कुल कीमत 10,77,600 रुपए बताई जा रही है। जोन 1 के डीसीपी पंकज धाने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी पूरी जानकारी। एपीएमसी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ग्रीन पार्क होटल के बाजू में जो झोपड़पट्टी है, वहाँ से दो आरोपियों को जोन 1 का जो पथक है एनडीपीएस के संदर्भ में, एपीए देवड़े इनके नेतृत्व में ये टीम ने दो आरोपियों को अरेस्ट किया है। उनके पास से लगभग 10.5 किलो गांजा और 10.5 लाख रुपए का गांजा, ये कुल मिला के 87 किलो और 400 ग्राम गांजा जब्त किया है। इसमें इस पथक ने अभी तक पिछले महीने में 23 कार्रवाइयाँ एनडीपीएस के अंतर्गत की है, उसमें 34 आरोपियों को अरेस्ट किया है। अभी उनको अरेस्ट किया है, जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें से उन्होंने नासिक से ये लाया ऐसा इन्फॉर्मेशन दी। आरोपी के बैकग्राउंड कुछ नहीं, 10वीं पास है और इनके इसके पूर्व इस आरोपी की जो माता है उनको एनडीपीएस के ऑफिस में अरेस्ट है, दो ऑफिस में, और वो अभी जेल में।